एवरीवन, राहुल इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये सैमसंग की टॉप लोड मशीन है, इसका क्लच सैंपल ही वो चेंज करेंगे। पहले हम बताते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। ये सैमसंग की मशीन है, ये 6 किलो की है, ठीक है, और डायमंड ड्रम मशीन है। इसमें ये देखो, इसका पल्सेटर जब हम घुमाते हैं, ये एक साइड तो ये घूम रहा है, ये दूसरी साइड इसका ड्रम भी साथ में घूम रहा है, यानी कि पूरा टाइट घूम रहा है। ये ड्रम साथ में घूमना चाहिए, जैसे ये पल्सेटर अलग घूम रहा है ऐसे भी इस तरह अलग घूमना चाहिए, बट ये इसका ड्रम साथ घूम रहा है और आवाज़ भी कर रहा है। तो इसके क्लच असेंबली में प्रॉब्लम है, वो हम इसके क्लच असेंबली पे चेंज करेंगे। क्लच असेंबली चेंज करने से पहले ये हम इसका पल्सेटर खोलेंगे, पहले इसको इसका जो कैप है इसको हटाएंगे। कैप हटाने से पहले उसके बाद हम ये 10 नंबर की गुट्टी लेंगे, ये सामने पल्सेटर को नट लगा हुआ है 10 नंबर का, इसको हम लूज़ करेंगे। खोलने के बाद इसका पल्सेटर बाहर निकालेंगे। तो हमने इसका ये नट खोल लिया है, तो अभी हम इसका पल्सेटर बाहर निकालेंगे। पल्सेटर बाहर निकालने के बाद यहाँ पे ये 32 नंबर का लगा हुआ नट, इस नट को खोलेंगे हम। तो हमारे पास ये पाइप पन है 32 नंबर का है, तो हम इसको इसके बीच फंसा के इसको हथौड़े से खोलेंगे इसको। तो हमने इसका नट काट लिया है, वो खुला नहीं था, तो हमने ग्राइंडर की मदद से इसका नट काट लिया है, ठीक है। तो अभी हम मशीन को उल्टा करेंगे, नीचे की तरफ लिटा देंगे और इसका ये असेंबली का ये कवर है, सेफ्टी कवर, इसको खोलेंगे, इसकी बेल्ट खोलेंगे और इसके ये 4 नट लगे हुए हैं, 1 2, ये असेंबली को लूज़ करेंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे। तो हमने इसका कवर भी खोल लिया है, ठीक है, बेल्ट भी खोल लिया है और इसके नट भी खोल लिए हैं, 1 2, और 2 नट नीचे लगे होते हैं यहाँ पे। तो अभी हम अंदर की साइड से थोड़े से ठोकेंगे इसको। तो हमने इसको सारा बाहर ही निकाल लिया है, पूरा ड्रम को, ये हब काट के निकालनी पड़ी है इसकी असेंबली, तो ये हमने असेंबली बाहर निकाल ली है, ये नई वाली असेंबली है। तो अभी हम इसमें फिट करेंगे यहाँ पे। तो हमने इसी क्लच असेंबली फिट कर ली है, ठीक है, ये 4 नट होते हैं इसके, 1 2 3 4 नट आते हैं, और सारा ड्रेन पाइप सारा हमने फिट कर लिया है। अभी इसकी मोटर को अपने में टाइट करना है, ये हमने फिट तो कर लिए, तो सबसे पहले हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे बेल्ट लगाएंगे और इसको मोटर को पीछे की तरफ करके टाइट करेंगे। ये मोटर पीछे हो जाएगी, ये इसमें जगह आती है, मोटर आगे जाएगी, तो ये बेल्ट हम टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमने इसकी बेल्ट भी टाइट कर दी है, ये देखो, ये मोटर को पीछे करके ये बेल्ट, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इसकी ये नई असेंबली की पुली है, ये थोड़ी छोटी थी पुली, ये देखो इस ये पुली बड़ी है, तो हमने पुराने वाली पुली ही लगा दी है इसमें और नए वाली पुली निकाल ली है। पुराने वाली पुली छोटी होने की वजह से बेल्ट लूज़ रहती थी, मोटर मैक्सिमम आगे जाने तक भी, तो अभी ने ये पुली बड़ी लगा दी है, तो अभी ये बिल्कुल सही हो गया, ज़रा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ये इसका हब है, ये हब पुराना हमने तोड़ के निकला था, तो हम नया हब लेकर आए हैं, तो हम ये नया हब इसमें लगाएंगे। ये वैसे 2 पेच वाला है, तो हम 1 पेच वाली लेकर आए हैं, तो हम 1 वाली लगा देंगे इसमें, ये चल जाएगा, इसमें लग जाएगा। तो ये फिट करके हम इसको वापस इसमें फिट करेंगे मशीन में।
दोस्तों तो हमने ये फिट कर दी है, ये अभी बिल्कुल सही चल रही है, दोनों साइड घूम रही है मशीन। और पहले से आवाज़ भी बहुत कम हो गया, पहले कर्र कर्र आवाज़ करता था ये, अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं है इसकी। एक साइड ही घूम रही थी मशीन, अभी दोनों साइड घूम रही है।